ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में एक दंपति फरियाद लेकर पहुंचे राजेश जाटव ने पुलिस को दिया आवेदन में बताया कि उनकी पत्नी ने बंधन बैंक से 80,000 का लोन लिया, जिसे समय पर बैंक को भुगतान कर दिया गया, लेकिन जब हम बैंक में दोबारा लोन लेने गए तो वहां पर हमें 8,26,000 का लोन चुकता करने के लिए बोला। ये सुनकर हम सख्ती में आ गए कि इतनी बड़ी रकम हमने जब निकाली नहीं तो लोन कैसा। जब हमने जाँच पड़ताल की तो हमें एक नंबर प्राप्त हुआ, उस आधार पर हमने उसका नंबर लगाया तो वो धमकी देने लगा कि जिसकी शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सराज ने बताया कि उक्त मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने इस मामले में साइबर सेल को सौंप दिया है जिसकी तहकीकात की जा रही है, जो भी इसमें अपराधी होगा उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इनने 80,000 का लिया था बंधन बैंक से लोन, तो इनके लोन जो क्रॉस हुआ उसके बाद हम दोबारा लेने गए तो उन्होंने हमको एक कागज निकाल के दिया बैंक से, बोले आपके नाम एक 8,26,000 का इशू हो रहा है, आप इसको क्रॉस कराइए और उसके बाद में आपको दूसरा मिलेगा। हमने कही ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है कि होम लोन लिया है मकान पे, और मेरे पास मकान नहीं है, मैं रहता हूँ किराए से। और उसके बाद में हमने उनको एक नंबर निकला, किसी ने कोई डिटेल नहीं बताई, बैंक का नाम आ नहीं रहा, उस नंबर को लगाया था, उसने ये बताया मैं भिंड से बोल रहा हूँ। और उसके बाद में उसने हमको ये बोला कि आप पे, हमने पूछा कि भैया कोई दिक्कत है बैंक वगैरह का नाम बता दो, तो हम उसमें जाके अपना नाम सही करा लेंगे, आपसे कोई दिक्कत हो गई हो। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं बताएंगे, आप पे निकाला जाए तो निकाल लीजिए। उसके बाद हम ठाटीपुर गए तो वहाँ रिपोर्ट नहीं ली थी पहले, बोले फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आवेदन दिया, 181 भी लगाया। उसके बाद में एक बार के बाद दोबारा आए, यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में ठाटीपुर में हमको बुलाया तो उन लड़कों को पहले बुला लिया था, ये नहीं पता क्या बात हुई है क्या नहीं, उन्होंने ये बोल दिया कि उनका इस पर मतलब कोई वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं बोल रहा। तो फिर उसका मतलब चतुर्जी सर के कोई सर है, तो फिर उसका नाम और उसका ये मोबाइल नंबर क्यों आ रहा है? 8,26,000 का लिया हमने, वो उसमें किस्त जा रही है, और इतने हम पढ़े लिखे हैं नहीं सर, ना तो हमें टाइम है, हम ड्राइवर आदमी हैं। साहब ने ये कहा है कि अभी आप नीचे जाइए और धर्मेंद्र करके सर हैं उनके पास आवेदन जमा कर दीजिए। ये अभी जनसुनवाई में एक महिला और उनकी पति आया है और इनके द्वारा ये बताया कि वो पहले लोन लिया था कोई समूह से, वो लोन इन्होंने रीपे किया है। अब इनको पता चला है कि बैंक से जानकारी मिला है कि 8 लाख रुपया इनके नाम पे है लोन, तो इनके ये एलिगेशन है कि इनके पैन कार्ड और आधार कार्ड मिसयूज़ करके किसी ने लोन लिया है और व्यक्ति द्वारा इनको धमकी दिया है। तो जो आवेदन क्राइम ब्रांच को रेफर किया है उसमें अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।